लगा तुम्हें देख के ये गिफ्ट था? कैसा लगा तुम्हें भाई लोग देख के गिफ्ट? ये देखो पोको X3 गुल्लक था ये, गुल्लक पहले जमाने का गुल्लक था ये। तो ये बोतल ही जो कैसे लगाते थे, ऐसे ऐसे लगाते थे टांग के, या फिर ऐसे रखते थे जिम में। वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग, बड़ों को प्रणाम और छोटों को सबको हेलो। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मुझे कुछ नया चीज़ मिला है। अभी हम जो है सुबह सुबह मतलब सो के उठा था, तो उसके बाद खाना पीना खाया मैंने। खाना पीना खाने के बाद मम्मी ने जो है कुछ सामान निकाला और उस सामान में जो है मुझे कुछ सामान मिला। दिखाता हूँ तुम सबको मैं, बहुत कीमती सामान। मेरे नाना की निशानी है इसमें, और वो निशानी दिखाऊँ तुम्हें किस में है? ये देखो, तुम यकीन नहीं करोगे। ये देखो, ये पहले ज़माने का पर्स है। इस पर्स में जो है ये देखो, तुम से ये, और ये गंदा इतना हो रखा है ना पर्स, मम्मी ने इसको धुला भी नहीं है। धोना ही नहीं है ये, मम्मी ने संभाल के रखा हुआ था इसको। वो खजाना तो मैं इसके अंदर तुम्हें दिखाता हूँ कि इसके अंदर है क्या चीज़। वो देखो तुम, अभी मैं इसको जो है फ़ोन को रखता हूँ एक साइड पे। हाँ तो दोस्तों अब तुम्हें दिखाता हूँ इस खजाने में से क्या निकलता है। ये देखो, इसके अंदर जो है रखे हुए ये वाले सिक्के। अगर तुमने देखे होंगे, तुमने देखे ये वाले सिक्के। ये गोल गोल वाले सिक्के हैं, ये वाले सिक्के हैं। ये देखो, ये किस तरीके के डिज़ाइन के सिक्के हैं, मैं तो देख रहा हूँ। बोला कितना, और ये देखो ये कितना सिक्का है। पुराने पुराने सिक्के। अगर किसी के पास है तो कमेंट करके बताना भाई, अगर तुम्हारे में से किसी के पास है। वैसे तो होंगे नहीं, ये छेद वाले पैसे हैं, क्योंकि छेद वाले पैसे ये बहुत कीमती सिक्के हैं, पहले जमाने के पैसे। और ये ज़्यादातर मोस्टली किसी के पास होंगे नहीं। अगर मैं इनको संभाल कर रखूँगा, बाद में दिखाऊंगा करूँगा सबको कि मेरे पास ये सिक्के हैं। ये देखो इतने सारे, इन सभी सिक्कों को मैं इस पोटली में रखता हूँ जो इस पोटली में रहते हैं। खोना मत, ये मेरे पापा ने मुझे दी थी पोटली में। देखिए कैसे एक भी रुपया गिरना नहीं चाहिए, एक भी सिक्का नहीं गिरना चाहिए। संभाल के रखूंगी भैया, मेरे पापा की निशानी है। देखो ऐसे खिसकाते इसको खास, और पोटली बंद। पोटली बंद। फिर ये पोटली जो कैसे लगाते थे, ऐसे ऐसे लगाते थे टांग के, या फिर ऐसे रखते थे जिम में? नहीं रख देते थे, ऐसे लगाते हैं पैसों को। हो रख देते थे, नहीं तो अगर बाजार जाना होता था, अगर कुछ सामान लेने के लिए, तब कैसे ले जाते थे? पागल, जो जमा होगा कहीं से लाते थे कमा के, तो इसमें रख देते थे। तो वो एक मतलब एक तरीके का गुल्लक था ये, गुल्लक पहले जमाने का गुल्लक था ये। मतलब ऐसी इंटरेस्टिंग चीज है मम्मी के पास पड़ी हुई पुराने जमाने की, जो मतलब तुमने देखी होगी। ये तो भाई किसी ने देखा ही नहीं होगा, आपके सुना होगा, बेशक तुमने सुना होगा, देखा होगा इंटरनेट पे कि जो है इस तरीके के सिक्के होते थे, कटे हुए सिक्के और जो गोल गले के सिक्के होते थे पहले जमाने के। छेद वाले पैसे है तुम पे? अगर होंगे तो कमेंट करके बताना, है तो दिखाना मुझे, मैं भी बोलूं कि कमेंट करके बताना, कमेंट करके कि तुम्हारे भी माँ बापो ने तुम्हें कुछ दिया है। देखो मेरे पापा ने मुझे क्या दिया, देखो मम्मी के पास बहुत काफी पुराने पुराने सिक्के हैं, 1900 के दशक के। कहाँ 2021 चल रहा, और कहाँ 1900 को भैया कहीं खोऊंगी नहीं। इससे पुराने होने चाहिए सिक्के, बस यही सिक्के तेरे पास? थोड़े तो नरेंद्र ने रख लिए थे। अच्छा, थोड़े नरेंद्र भाई ने ले लिए थे, मतलब उन्होंने भी सिक्के ले लिए थे, थोड़े बहुत रखे हुए। उन्होंने तो फेंक दिए होंगे भैया, पर मैंने नहीं फेंके, ये मेरे पापा की निशानी। मेरे पास बाहर देश की करेंसी पड़ी हुई है, एक दो होगी जो मैंने ली थी बुआ से अपनी। चलो फिर ऐसी कुछ चीज ढूंढते हैं, दिखाना हमें ऐसी चीज, नई चीज। अब कुछ और नई चीज ढूंढते हैं, अगर मिल जाएगी तो मैं तुम्हें दिखाता रहूंगा। तो ये ज़्यादा ब्लॉग जो है संडे का ब्लॉग है, क्योंकि संडे को जो है सबके सब घर में फ्री रहते हैं। तो फ्री के चक्कर में जो है मम्मी ने जो है अपना सारा का सारा सामान निकाल दिया था वहाँ पे। सारा सामान निकालने के बाद हमें भी पोटली भी मिली गई, मतलब चल बढ़िया है भाई, अब तुम्हें दिखा देता हूँ कि पोटली मिली है। तो उस पोटली के अंदर है क्या क्या चीज़, मैंने खुद देखा, मैं खुद चाहूँगा था कि मेरे पे इतने इतने पुराने पुराने सिक्के पड़े हुए हैं। अगर मुझे और सिक्के मिलेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेगी जो पुरानी पुरानी, मैं आपके साथ शेयर करते रहूँगा। तो तब तक वीडियो में बने रहो, मैं ज़्यादा दूसरी चीज़ें ढूंढता हूँ। चलो भाई, अब जो है अभी अपन नहाता है धोता है, फिर उसके बाद आप सभी को मिलता है, ठीक है? तो नहा लेता हूँ, पहले धो लेता हूँ, नहा धो लेता हूँ, ब्रश व्रुश करता हूँ, फिर उसके बाद फ्रेश हो जाता हूँ जब बिल्कुल, उसके बाद मिलते हैं। उसके बाद हम कहीं चलेंगे, तो वीडियो में बने रहना, अभी मैं नहा धो लेता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ। तो वॉशरूम में जाने से पहले जो है मैंने देखा कि यहाँ पर साबुन तो बचा ही नहीं है,
तो साबुन तो लेके आया हूँ मैं, और साबुन तो मैं दिखाता हूँ, तुमने देखा हो तो बताना मुझे। ये देखो, ये है वेस्टिज का एश्योर साबुन है, और कोई कंपनी का भी होगा वैसे तो। ये देखो साबुन, क्या साबुन है ये, मुंह धुलने के लिए ज़्यादातर बेस्ट रहेगा, क्योंकि नहाने के लिए तो ये पिघल जाता है फिर थोड़ी जल्दी, मतलब जल्दी ख़त्म हो जाता है ये साबुन। तो चलो पहले नहा लेते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं आपको गोरी गोरी चमड़ी के साथ। काला हो गया हूँ थोड़ा बहुत आजकल, तो नहाने के बाद मिलता हूँ आपको, फिर चलेंगे अपन कहीं बाहर। नहा धो के हो चुके हैं रेडी, और मम्मी से लेके आए हैं थोड़ी सी दाल जो हम खाएंगे अभी नाश्ते में। पहले तो मैं मैगी खा चुका था वैसे, पर थोड़ी और भूख लग रही तो फिर थोड़ा बहुत और खाना खा ही लेता हूँ भाई, क्योंकि भूखा रहना सही बात नहीं है। तो चलो यार खाना वाना खा लेते हैं, अब खाना खाने का टाइम हो चुका है, बज गए दो बजने के बाद जो अब खाना खाने का टाइम हो। अब देखते खाना बनाया क्या मम्मी ने। तो मम्मी ने बनाया है राजमा की दाल। तो यार दोस्तों मैं अभी भी जो है सो के उठा हूँ, और अब मम्मी जो है चले गई है बुराड़ी, क्योंकि जो दादी है ना, मतलब मेरी दादी की सिस्टर यानी कि मेरी भी दादी लगी, तो वो जो है गाँव में जो है खेत से एक खेत से दूसरे खेत में नीचे मतलब कुछ काम करते ना, गिर गई होगी पेड़ से, तो उनके जो है ज़्यादा चोट लग रही है मतलब कमर पे। तो मम्मी जो है थोड़ा हालचाल पूछने गई है वहाँ पे उनके घर पे, और मेरा भाई भी चले गया, पापा भी चले गए, यानी कि अब मैं घर पे अकेला रह गया हूँ। अभी जो है तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, यानी तुम्हारे लिए क्या, मेरे लिए सरप्राइज़ है। अभी जो है मैंने कुछ एक स्पेशल चीज़ ऑर्डर करी है, वो तुम्हें बताऊँगा कि क्या चीज़ है स्पेशल। चलो फिर देखते हैं उसे कि है क्या चीज़ वो स्पेशल। बहुत देख के दिल देख के जो तुम्हारा खुश हो जाएगा बिल्कुल। अभी दिखाता हूँ कार्ड से, अभी देखो मैंने पैकेज खोला ही है बिल्कुल जस्ट। ये देखो यहाँ से पैकेज खुला है, पैकेज में निकलता गया है भाई पोको X3, जो मैंने एक नया मॉडल मंगाया है, बल्कि मेरा नहीं है, मेरे किसी दोस्त का ही है, मैंने उसके लिए ऑर्डर करा था, ऐसे भी उसने ही दिए कहीं मत सोच लेना कि मैंने दिए। ये देखो पोको X3 है, 6GB रैम 64GB इंटरनल है, 240 हर्ट्ज़ का टच सैम्पलिंग रेट मिलता है इस पर, ड्यूल स्टूडियो स्पीकर है। स्पेसिफिकेशन तो आपको पता ही होगा फोको X3 की। फ़ोन देखते हैं, जो फ़ोन है मेन खोलते के साथ ही डब्बा ऐसे दिखेगा तुम्हें, वाह मज़ा आ गया। ये फ़ोन को साइड में रख लेते थोड़ा सा, फ़ोन को साइड में रखते हैं। इसके अंदर क्या निकलती है, इसके अंदर दिए इन्होंने केबल, एक केबल है, इसको भी साइड में रखते हैं। ये अडेप्टर दिया है, अडेप्टर ये देखो भाई अडेप्टर का देखो कितने वोल्ट का अडेप्टर है, 5 वोल्ट 3 एम्पियर का अडेप्टर है। चलो बढ़िया है भाई अडेप्टर भी, फास्ट चार्जिंग है, इसको भी यही रख देते हैं। मेन देखते हैं फोन जो है, ये फ़ोन देखो भाई तुम दूर से देखो, वाह क्या गजब है। ये देखो यहाँ से स्पीकर ग्रिल है इसके दिए हुए, तो भाई साहब लगा तुम्हें देख के ये गिफ्ट था, कैसा लगा तुम्हें भाई लोग गेट देख के गिफ्ट। ये देखो पोको X3 जो कि 6GB वेरियंट है, अब जो है पबजी लॉन्च होने वाली, तो पबजी में काम आने वाला है, और क्या पता मैं भी इन फ्यूचर जो है यार मोबाइल ले लूँगी ब्लॉग में बनाऊंगा। बाबा ये कदर चीज़ है, ऐसा बोलेगा फोन फिर बाबा तुम्हारे गिफ्ट लेके आया फोन में नया रख लो। हेलो बाबा, अभी जो है सारा का सारा मोबाइल देख के चला लिया है बिल्कुल फिटफुट, मज़ा आ गया चला के, मतलब पोको X3 बढ़िया लग रहा है मोबाइल। वैसे अभी तो रात के टाइम पे जो कैमरा है ना उसका, वो मेरे को थोड़ा सा अभी सही नहीं लगा, क्योंकि उस पर जो है लाइटिंग थोड़ी सी कम पड़ रही है, जैसे लाइटिंग यहाँ पे है ना इतनी, तो मेरे मोबाइल में आपको दिख रही होगी लाइटिंग थोड़ी ठीक ठाक, पर उसमें थोड़ा मेरे को कैमरे में जो है लाइटिंग थोड़ी सही सही दिख रही, पर दिन में देखते हैं उसकी परफॉर्मेंस कैसी होती है। एक बार मैं जो आपके लिए टेस्टिंग करके भी जाऊँगा कि कैसी होगी इसकी परफॉर्मेंस। चलो यार अभी उसको आने, तो मैंने उसको जो है फ़ोन कर दिया है, अब फ़ोन करता है राहुल, अब आएगा, उसने फ़ोन उठा तो लिया, वो 3-4 दिन से पीछे पड़ा हुआ था कि फ़ोन आएगा। अब लेट्स, उसका फ़ोन आ ही चुका है, तो चलो उसका फ़ोन जब वो अपने लेने के लिए आएगा यहाँ पे, तब तक जो है बैठते हैं इंतज़ार करते हैं।